हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ट्रीवर्सल ऑफिशियल। आज हम लोग बात करने वाले एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। एफिलिएट मार्केटिंग आज के टाइम में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग का वर्ड जितना टेक्निकल है, लोग इसको उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट समझते हैं। एक्चुअली एफिलिएट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या यहाँ से अर्निंग हो सकती है और यहाँ से लोग अर्निंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसका प्रूफ पहले आप स्क्रीन के ऊपर देख लो। आप लोग देख लीजिए कितने सारे लोग मेरी खुद की कंपनी ट्रीवर्सल ऑफिशियल के साथ में मिल करके एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं और डेली का कोई 1000 रुपए, कोई 2000 रुपए और कोई 5000 रुपए अर्न कर रहा है। डेली की इनकम है गाइस, ये आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट किया जा सकता है। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए एफिलिएट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट सिंपल है, आप यहां पर सिंपल वे में समझिए। मान लीजिए कोई ए नाम की कंपनी है, क्या है, कोई ए नाम की कंपनी है और कोई कस्टमर है एक्स वाई जेड नाम का, राइट। अब उसके बीच में आप है, जैसे मैं हूं, मान लीजिए मेरा नाम है कुलवंत, ठीक है। अब मैं क्या हूं, मैं एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, मैं ऑडियंस को भी जानता हूं और मैं कंपनी को भी जानता हूं। मैंने क्या किया, कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट उठा करके ऑडियंस तक पहुंचा दिया। ऑडियंस ने देखा, ऑडियंस को पसंद आ गया, ऑडियंस ने परचेज कर लिया, अब कंपनी ने मुझे कमीशन दे दिया। यही है एफिलिएट मार्केटिंग। लोग इसको इतना ज्यादा डिफिकल्ट बना देते कि एफिलिएट मार्केटिंग सीखो, ये करो ना वो करो, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते कि एफिलिएट मार्केटिंग एक्चुअली में क्या है। और जब समझ नहीं पाते तो करेंगे तो क्या ही, आप खुद इस चीज को सोच सकते हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग सिंपल कॉन्सेप्ट है, कंपनी को ऑडियंस को प्रोडक्ट देने हैं और आप उसमें उनकी मदद कर रहे हैं। किनकी मदद कर रहे हैं, कंपनी की मदद कर रहे हैं प्रोडक्ट को पहुंचाने में ऑडियंस तक, दैट्स इट, यही एफिलिएट मार्केटिंग है। अब ये कंपनी कोई भी हो सकती है, जैसे मैंने बोला हम कोई आईडी लगाने वाला चेन सिस्टम वाला काम तो नहीं करते। मेरी खुद की कंपनी है ड्रीवर्सल प्राइवेट लिमिटेड, आप जाके गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमारी एकेडमी के साथ जुड़े हुए हैं, वो क्या करते हैं, हमारे कोर्सेज को प्रमोट कर देते हैं लोगों को। अब जितने भी लोग वहां पे एडमिशन कराते हैं उनको इंस्टेंट पैसा मिलता है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो आपको मंथली पे करती है, बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो आपको वीकली पे करती है, लेकिन हमारी कंपनी ऐसी है जो आपको डेली पे आउट देती है। तो जितने भी लोग हमारे कोर्सेज प्रमोट कर रहे हैं, हमारे कोर्सेज में आ रहे हैं, हम किसी से भी फीस पहले नहीं लेते। देखिए फीस पहले नहीं लेते, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम फ्री पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के साथ में एडमिशन करा देते हैं, यानी कि उनका कोर्स फाइनेंस करा देते हैं। पहले सीख लो, उसके बाद कमा लो एफिलिएट मार्केटिंग से, चाहे कैसे भी कमाओ, चाहे डिजिटल मार्केटिंग से कमाओ, एफिलिएट मार्केटिंग से कमाओ, प्रमोशन करके कमाओ, वेबसाइट बना करके कमाओ, जब आप अर्न करने लग जाए उसके बाद में फीस दे देना। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है, राइट। अब हम क्या करेंगे, एफिलिएट मार्केटिंग में काम कैसे करना है, अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, इसके बहुत सारी कंपनीज होती है वैसे तो एफिलिएट मार्केटिंग में। आज के टाइम पे आप देखेंगे फ्लिपकार्ट चल रहा है, अमेजोन चल रहा है ना, मिंत्रा चल रहा है, और भी बहुत सारी ओएफए चल रहा है, क्लिक बैंक चल रहा है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो एफिलिएट बनाती हैं। और आज के टाइम में जो नेटो मार्केटिंग चल रहा है ना, एक्चुअली ये भी एफिलिएट का ही फंड है। बस फर्क सिर्फ इतना है, नेटो मार्केटिंग में ऑफलाइन काम कर रहे हो आप लोग, यानी कि घर घर जाकर के लोगों को समझा रहे हो। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आपको किसी के पास जाना नहीं पड़ता, आप लोग घर बैठे ऑनलाइन मोबाइल की मदद से बिजनेस करते हैं, बस इतना सा फर्क है, बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम है। बेचना पड़ेगा, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर सामान सेल करना होता है, दैट्स इट, यही एफिलिएट मार्केटिंग है। अब मैं आपको अमेज़न के ऊपर किस तरीके से आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप लोग इनकम कैसे करेंगे, वहां पे इनकम को कैसे देखेंगे, वो सारी की सारी चीजें आपको समझा देता हूं। तो आप लोग देख लीजिए, पूरा ध्यान से देखिए अकाउंट कैसे बनता है। जब आप अकाउंट बनाना सीख जाएं, खुद का अकाउंट क्रिएट करिए और सेल करना स्टार्ट करिए और पहले दिन से अपनी इनकम करिए। आई होप आप लोगों को ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। अकाउंट बनाना सीख लीजिए, अकाउंट बनाने के बाद में आप लोग आराम से अपनी अर्निंग कर पाएंगे। और अगर डिटेल में एफिलिएट मार्केटिंग सीखना है, आप लोग चाहते हैं कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर अपनी पहली इनकम आप कर पाएं केवल अपने मोबाइल की मदद से, तो एक ही काम करना है। क्या काम करना है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आप इनकम करना चाहते हैं। सिखाने को मैं तैयार हूं, फीस आपसे पहले नहीं लेंगे, जब कमाने लग जाओ तो उसके बाद फीस दे देना। चलिए आप देखिए ध्यान से कि किस तरीके से अकाउंट क्रिएट हो रहा है अमेज़न के ऊपर, अपना खुद का अकाउंट क्रिएट करके आप आगे बढ़िए, अर्निंग करना स्टार्ट करिए, राइट। कोई भी आपको जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। एफिलिएट अकाउंट क्रिएट करके दिखा देता हूं एक डेमो के तौर पे कि किस तरीके से आप एफिलिएट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको सिंपल अमेज़न के साथ में एफिलिएट अकाउंट क्रिएट करके दिखा देता हूं। अमेज़न के साथ में मैं एफिलिएट अकाउंट क्यों क्रिएट कर रहा हूं, क्योंकि इसके पास में 12 मिलियन से ज्यादा प्रोडक्ट्स है, तो आप लोगों के लिए ईजी रहेगा काम करना, ट्रैफिक लाना और सेल्स को बढ़ाना, ताकि स्टार्टिंग में आपको अर्निंग स्टार्ट हो सके डे वन से। तो इसके लिए मैं आपको एफिलिएट अकाउंट क्रिएट करके दिखा देता हूं अमेज़न के साथ में। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने
क्रोम के अंदर, मैं क्रोम यूज करता हूँ, आप जो भी ब्राउजर यूज करते हैं उसको आप ओपन कर सकते हैं, मोजिला जो भी आप यूज करते हैं, फायरफॉक्स वगैरह वो उसको आप ओपन कर सकते हैं। तो मैंने क्रोम को ओपन करा है, मैं यहाँ पे सर्च करूंगा www.amazon, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं Amazon एफिलिएट, तो ये नीचे आ गया, मैंने इसको सिंपल मैंने क्लिक कर दिया है। अब मेरे पास में ये खुल के आ गया है, आप देख रहे हैं इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। तो अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे Amazon एफिलिएट ये आ रहा है, इसके नीचे एक और ऑप्शन आएगा, आप नीचे जाएंगे और Amazon.in एसोसिएट सेंट्रल, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो क्लिक करने के बाद में जो आपके पास इंटरफेस खुल के आएगा, इस तरीके से इंटरफेस खुल के आएगा, जैसे आप Amazon.in एसोसिएट सेंट्रल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके पास में खुल के आ जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें साइन अप करना है, क्योंकि आप पहली बार आए हैं तो आप साइन अप करेंगे, तो साइन अप के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये खुल के आ जाएगा, ठीक है। ऊपर लॉग इन का अगर आपकी आईडी बनी हुई है तो यहाँ से आप लॉग इन कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्या करेंगे, यहाँ से क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। मैंने क्लिक कर दिया है, तो क्लिक करने के बाद में यहाँ से नाम पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे अपना नाम दे देता हूँ, ठीक है, मैंने नाम दे दिया। नाम देने के बाद में अब मैं इसको आगे चलते हैं, यहाँ पे ये ईमेल आईडी पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे एक ईमेल आईडी डालूंगा। नेक्स्ट हम जाएंगे, यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है, तो पासवर्ड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, तो ये यहाँ पे मैंने डाल दिया है। अभी हमारे पास में जो पेज खुल के आएगा, कुछ इस तरीके से पेज खुल के आएगा, आप देख रहे हैं, तो देखिए ये यहाँ पे इस तरीके से आएगा। तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो आपकी ईमेल आईडी जो आपने डाली उसके ऊपर एक ओटीपी आया, वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करना रहेगा, तो वो ओटीपी मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। तो मेरे पास ओटीपी आ गया, मैंने ओटीपी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 630827। तो मैं इसको क्रिएट योर ओटीपी डाल के क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है। तो अब मेरे पास में देखिए जो पेज खुल के आएगा वो कुछ इस टाइप से पेज खुल करके आएगा, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला मेरे पास फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब यहाँ से मुझे अपनी आईडी को बनाना है, यहाँ पे पेई नेम सबसे पहले डालना है, पेई नेम मतलब आपको वो नाम डालना है यहाँ पे जो जिस नाम से आपका बैंक अकाउंट है, ठीक है, वो नाम यहाँ पे आप डालेंगे। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल भर देता हूँ कुलवंत, ठीक है, ये मेरा पेई नेम हो गया। इसके बाद मैं नेक्स्ट चलूंगा एड्रेस लाइन, यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है, तो मैं यहाँ पे एड्रेस डाल देता हूँ, एड्रेस में यहाँ पे अपने अपने दिल्ली वाले घर का डाल देता हूँ। ये मैंने देखिए एड्रेस डाल दिया, ऑटोफिल है पहले से ही मैंने डाले हुए हैं, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है, ये आप एड्रेस देख रहे हैं, एड्रेस लाइन होगी, ये पिन कोड वगैरह इसने ऑटो डिडक्ट कर लिया क्योंकि मैंने पहले से ही फिल किया हुआ है। तो ये मेरा फोन नंबर हो गया, और इसको फोन नंबर को मैं चेंज करना चाहूंगा, यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ उसको, तो ये मैंने फोन नंबर भर दिया यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद में ये पूछ रहा है कि फॉर यूएस टैक्स पर्पज आर यू आर ए यूएस पर्सन, तो मैं करूंगा यहाँ पे सिंपल नो, मैं यूएस पर्सन नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पे यूएस ये नो कर देता हूँ, मैं फिर इसको नेक्स्ट करूंगा फॉर्म को फिल करने के बाद में। देखिए मेरा पहला जो मेरा पहला फॉर्म था अकाउंट इन्फॉर्मेशन मेरी वो बिल्कुल क्लियर होगी। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है वेबसाइट और मोबाइल ऐप, यहाँ पे कोई लिस्ट करना चाहूँ तो मैं अपनी वेबसाइट को यहाँ पे डाल देता हूँ। अगर आपके पास में वेबसाइट नहीं है तो उसका ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आप क्या डाल सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट डाल दूंगा dreamsworld.info, ठीक है, मैं यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट डाल दी और मैं इसको सिंपल ऐड कर दूंगा, ये ऐड हो गया, आप यहाँ पे देख रहे हैं। और अगर आपके पास में वेबसाइट नहीं है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे अपने किसी भी फेसबुक पेज को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और पेज के ऊपर मैं जाऊँगा, तो पेज पे जाने के बाद मैं यहाँ से कोई ना किसी भी पेज को उठा लूंगा, ठीक है, मान के चलो मैं यही पेज ले लेता हूँ। तो इस पेज को मैं सिंपल देखिए इसका URL आ गया, इसका URL मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करके मुझे मैं इसका URL यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा सिंपल। तो मैंने इसको पेस्ट कर दिया, अब मैं इसको यहाँ पे ऐड करूंगा, देखिए यहाँ पे ऐड हो गया। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप अपने फेसबुक पेज का URL कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं, और अपने यूट्यूब का भी आप URL कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, सिंपल सिंपल है, ठीक है, आपने ऐड कर दिया, उसके बाद आप करेंगे नेक्स्ट। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया सेकंड स्टेप भी। सेकंड स्टेप कंप्लीट होने के बाद में आपके पास में थर्ड स्टेप आएगा प्रोफाइल का, तो आपको यहाँ पे प्रोफाइल का ये फॉर्म आएगा, इसको आपको पूरा फिल करना रहेगा। इसको आपको कैसे फिल करना है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले पूछेगा व्हाट इज योर प्रेफर्ड एसोसिएट आईडी स्टोर, आप अपनी स्टोर आईडी का क्या नाम देना चाहते हैं, जो आप नाम देना चाहे वो आप दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ड्रीम्स वर्ल्ड, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ड्रीम्स वर्ल्ड और 1212 डाल देता हूँ। ये मैंने जस्ट आपको एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि एक डमी स्टोर बना रहा हूँ मैं, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ जस्ट कि अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद में
व्हाट आर योर वेबसाइट और मोबाइल अबाउट, तो आपकी वेबसाइट है वो किस चीज के बारे में, तो यहाँ पे आप जिस चीज के बारे में आपकी वेबसाइट है, जिस चीज के बारे में आपका पेज है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे डालेंगे। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अवेयरनेस, ठीक है, अवेयरनेस के बारे में है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल एक ही वर्ड लिखा है ताकि टाइम ज्यादा ना लगे, हम जल्दी से सारी चीजों कवर कर पाए। तो आप यहाँ पे पूरा डिटेल में लिखेंगे। और इसके बाद में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक बेस्ट डिस्क्राइब योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप। तो यहाँ पे टॉपिक के बारे में पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल कर देता हूँ और नीचे कर देता हूँ ब्लॉग्स बुक्स, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया है। अब यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ अमेजोन आइटम डू यू इंटेंड टू लिस्ट ऑन योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किस टाइप क्या क्या चीज आप सेल करना चाहोगे, तो वो सारी चीजें यहाँ पे पूछ रहा है। तो मैं यहाँ पे बुक्स डाल देता हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स डाल देता हूँ, और इसके अलावा मैं कंप्यूटर ऑफिस, ये मैंने तीन चीज डाल दी। सेल तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे दो तीन चीजों को चूज कर लीजिएगा। फिर ये पूछ रहा है व्हाट टाइप आर वेबसाइट और मोबाइल ऐप। तो आपका मोबाइल का ऐप है जो किस टाइप का, ब्लॉग है, तो मैंने ब्लॉग लिख दिया। नीचे जो सब कैटेगरी उसमें भी मैं ब्लॉग ही डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने दोनों ब्लॉग कर दिया है। अब यहाँ पे ट्रैफिक पूछ रहा है कि मोनेटाइजेशन आप करना चाहते हैं तो ट्रैफिक कहाँ से आता है आपके पास में। मेरे पास पेड ट्रैफिक भी आता है, ईमेल मार्केटिंग आती है, ठीक है, SEO से आता है, ब्लॉग से भी मेरे पास ट्रैफिक आ जाता है, और डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट से भी आता है, सोशल नेटवर्क से भी आता है। तो ये कुछ मैंने तरीके हैं जो मैंने भर दिए हैं। आप यहाँ पे कुछ भी भर सकते हैं। आप अगर आप न्यू है तो आप भरिएगा सिंपल SEO, ब्लॉग और पेड सर्च में, ठीक है। तो मैंने ये सारी चीजें भर दी, मेरे पास इन जगहों से ट्रैफिक आ रहा है, तो आपके पास जहाँ से ट्रैफिक आ रहा है आप उसको यहाँ पे सिंपल भर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है हाउ डू यूटिलाइज योर वेबसाइट एंड ऐप टू जनरेट इनकम। आप अपनी वेबसाइट और इनकम को जनरेट करने के लिए क्या करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर और ब्लॉग के ऊपर, जो आपकी ऐप है उसके ऊपर। तो मैं सिंपल करूंगा इसको एज यूजुअल गूगल एडसेंस, और इसके बाद भी हम नीचे वही करेंगे गूगल एडसेंस, ठीक है। मैंने इसको गूगल एडसेंस कर दिया है। और यहाँ पे पूछ रहा है हाउ डू यू यूजुअली बिल्ड लिंक, लिंक कैसे बिल्ड करना चाहोगे। तो मैं HTML एडिटर यहाँ पे करूंगा, ठीक है। और इसके बाद में पूछ रहा है हाउ मेनी टोटल यूनिक विजिटर्स, मतलब ये पूछ रहा है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर टोटल कितने विजिटर्स आते हैं मंथली। तो मैं यहाँ पे सिंपल इसको कर देता हूँ 500 से लेके 5000 आ जाते हैं, वैसे ज्यादा भी आ सकते हैं, जितने आपके पास में विजिटर्स आते हैं उतने आपको यहाँ पे डालने हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज योर प्राइमरी रीजन फॉर ज्वाइनिंग अमेजोन एसोसिएट प्रोग्राम। तो सिंपल सी चीज है, मैं अपने उसको मोनेटाइज करना चाहता हूँ, टू मोनेटाइज माई साइट, तो मतलब मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं अमेजोन को ज्वाइन कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा। इसमें पूछ रहा है ये कि हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, आपने आपने कहाँ से सुना है हमारे बारे में। तो मैं इसको सिंपल कर देता हूँ वर्ड ऑफ माई माउथ, ठीक है। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया फॉर्म। अब नीचे कैप्चा पूछ रहा है, तो हमें कैप्चा फिल करना है, तो कैप्चे को मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। तो कैप्चा आप देख लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको फिल करना रहेगा। मैं इसको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को आप पढ़ना चाहे तो यहाँ से पढ़ सकते हैं इसके ऊपर क्लिक करके, वैसे कोई पढ़ता नहीं है, इतनी सारी चीजें लिखी होती हैं। तो मैं इसको सिंपल एग्री कर देता हूँ, इसको फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने फिनिश पे क्लिक कर दिया है। अब आप देखिए मेरे ये प्रोफाइल वाला पेज भी मेरा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मेरी जो आइडिया वो बनकर तैयार हो चुकी है। हम यहाँ देख रहे हैं कांग्रेट्स कुलवंत, थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू amazon.in एसोसिएट प्रोग्राम, और ये मेरी स्टोर आईडी है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा इसको देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है एंटर योर पेमेंट एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन। मैं इसके ऊपर नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। नाउ पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे जाएंगे तो ये आपसे पासवर्ड मांगेगा, क्योंकि आपकी आईडी बन चुकी है, जो पासवर्ड आपने अभी लास्ट टाइम फिल किया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो मैं इसको पासवर्ड को फिल कर देता हूँ। तो मैंने पासवर्ड को यहाँ पे फिल कर दिया है, और इसको मैंने फिल करने के बाद में यहाँ पे मैं इसको लॉग इन कर रहा हूँ। तो ये लॉगिन हो गया है, देखिए लॉगिन हो रहा है। यहाँ पे ये मोबाइल नंबर मांग रहा है टू स्टेप वेरिफिकेशन के लिए, तो ये आपको आपको डालना पड़ेगा। तो मैंने इसको डाल दिया है। अब यहाँ पे देखिए ओटीपी आया, जो मोबाइल नंबर मैंने डाला है उसके पास में ओटीपी आया, वो ओटीपी मैं यहाँ पे फिल करूंगा। आपको भी सेम काम करना है, यहाँ पे ओटीपी जैसे जैसे यहाँ पे दिखाया गया है वैसे वैसे ही आपको करना है, ताकि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए और आप इजीली एफिलिएट अकाउंट अपना क्रिएट कर पाए और अपनी इनकम को जनरेट कर पाए। तो देखिए ओटीपी मैंने डाल दिया। ओटीपी डालने के बाद में अब ये थोड़ा सा टाइम लेकर ले रहा है। देखिए अब यहाँ पे इस तरीके से खुल के आएगा। तो जैसे ये मेरे पास खुल के आ गया, अब यहाँ पे पूछ रहा है देखिए पे मी बाय NEFT, NEFT के द्वारा मैं पेमेंट लेना चाहता हूँ। तो उसके बाद में मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा, और मिनिमम 1000 रुपए होंगे तो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद में यहाँ पे बैंक लोकेशन पूछ रहा है इंडिया में, और जो करेंसी है वो आपकी इंडियन रुपी है अगर आप इंडिया से काम कर रहे हैं। तो हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया से ही मेरे वीडियो को ज्यादातर लोग देखने वाले हैं, तो इसलिए मैंने इसको हिंदी में बनाया है। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट होल्डर नेम, यहाँ पे आपका जो जिस नाम से जो आपने पे ही नाम डाला था, जिस नाम से आपका अकाउंट है वही नाम आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। मैंने सिंपल इसको डाल दिया है। और अब यहाँ पे नीचे पूछा है बैंक अकाउंट नंबर, तो मैं यहाँ पे कुछ भी डाल दूंगा, ठीक है, जो मेरा अकाउंट नंबर है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, सिंपल है। तो यहाँ पे कंफर्म पूछ रहा है, कंफर्म डाल देते हैं।
ठीक है, ये डाल दिया है, यहाँ पे बैंक नेम डाल देना है और यहाँ पे आईएफएससी कोड डाल देना और सिंपल उसको सबमिट कर देना है। स्किप करेंगे तो हमारे पास में ये पेज खुल के आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखिए आप नीचे यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको ये इनकम्प्लीट दिख रहा है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इंडिया करंट टैक्स स्टेटस, इसके ऊपर आप जाएंगे और जाने के बाद में आपके पास में जो पेज खुल के आएगा वो कुछ इस टाइप से पेज खुल के आएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपके पास में जो पेज खुल के आएगा वो इस टाइप से पेज खुल के आएगा। तो इस पेज को आपको पूरा फिल करना रहेगा। पूरा कैसे फिल करना है मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। व्हाट इज योर टैक्स क्लारिफिकेशन, आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस करना कर रहे हैं या इंडिविजुअल लेवल पे आप करेंगे, तो इसको इंडिविजुअल रहने दें आप इसको, ठीक है, ये ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ दें इजिली। और यहाँ पे पैन नंबर अपना डालना है, ठीक है, पैन डिटेल्स आपको अपनी डालनी है। तो ये सिंपल मैंने इसको डाल दिया है मेरा, ठीक है, तो यहाँ पे पैन नंबर मैंने डाल दिया है। अब इसको हम करेंगे, यहाँ पे सिंपल नीचे जाएंगे तो यहाँ पे नीचे सिग्नेचर पूछ रहा है, नीचे यहाँ पे सिग्नेचर पूछ रहा है, तो सिग्नेचर में आपको सिंपल अपना नाम डाल देना है, ठीक है, जिस भी नाम, जो भी आपका नाम है, जो आपका पेई नेम है, जो आप सिग्नेचर में लिखते हैं वही नाम आपको यहाँ पे डालना है। तो मैंने ये डाल दिया और उसको सिंपल मैंने सबमिट कर दिया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये मेरा पूरा हो गया है, ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब एग्जिट इंटरव्यू पे मैं जाऊंगा, तो मैं वापस आ गया हूँ बिल्कुल। अब मैं होम पेज पे चला जाता हूँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ होम पेज पे जाने के बाद में ये आएगा, इसको गेट स्टार्टेड कर देता हूँ। तो अब मेरा जो अकाउंट है पूरी तरीके से देखिए बन के रेडी हो गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा डेली यहाँ पे कितनी अर्निंग आपकी हुई है वो यहाँ पे दिख जाएगी, कितने आपके क्लिक्स आए हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप डेली का ट्रैक कर सकते हैं सारी चीजें, और प्रोडक्ट्स आपको कोई लिंक उठाना है, आप प्रोडक्ट्स को कैसे सेल करेंगे उस चीज के बारे में हम जानते हैं यहीं से, ठीक है। सबसे पहले आपको जब ये पेज आपको खुल के आएगा, ये पेज आए या दूसरा पेज आए, मैं दोनों पेज का आपको दिखा देता हूँ कि दोनों पेज में कैसे है। सबसे पहले अगर आपके पास में ये पेज आता है तो यहाँ से आप कैसे लिंक उठाएंगे, तो आप सिंपल यहाँ पे प्रोडक्ट्स को क्लिक करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ डे ड्रीम, मैं एक बुक है ये, सक्सेस इज नॉट फार, ठीक है, ये बुक है जिसके अंदर कंप्लीट ट्यूटोरियल दिए हुए हैं 10 बिजनेस के बारे में, कि आप कैसे घर बैठे जीरो इन्वेस्टमेंट पर 10 बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी इनकम को 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। तो ये बुक है, तो इस बुक को आप पढ़ सकते हैं, आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आ गया, तो मैं यहाँ पे सिंपल इसको गेट लिंक पे क्लिक करूंगा। गेट लिंक पे क्लिक करने के बाद में मेरे पास में क्या आएगा, इस तरीके से पेज खुल के आएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे टेक्स्ट एंड इमेज आ गया, टेक्स्ट ओनली आ गया, इमेज ओनली आ गया, एड विजिट आ गया। तो यहाँ पे आप देखिए क्या करना चाहेंगे, तो मैं इसको सिंपल क्या करूंगा, टेक्स्ट ओनली कर दूंगा। आप चाहें तो टेक्स्ट एंड इमेज भी कर सकते हैं, इमेज पे भी कर सकते हैं, मैंने टेक्स्ट ओनली पे किया, उसको मैं शॉर्ट लिंक पे करूंगा, क्योंकि देखिए अगर मैं HTML पे रखता हूँ तो इतना बड़ा लिंक आता है, इसके ऊपर कोई शायद इंसान क्लिक ना करे, और ये लिंक पे करता हूँ तो ये लिंक थोड़ा छोटा हो जाता है, तो हो सकता है कि इस पे भी कोई क्लिक ना करे, लेकिन शॉर्ट लिंक होता है कि बहुत ही शॉर्ट हो जाता है लिंक, तो इस लिंक को आप अगर कहीं भेजते हैं तो आपके मतलब क्लिक के चांसेस बढ़ जाते हैं और आप इसको इजीली कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको, जैसे मैंने ये किया, तो मैं इसको हाईलाइट HTML पे क्लिक करूंगा। अब मेरा ये पूरी तरीके से हो चुका है, अब मैं इसको कहाँ पे जाऊंगा, अब मैं इसको सिंपल किसी भी पेज पे कहीं पे अपने, मैं मान के चलो यही पेज है, इसके ऊपर मैं आया, यहाँ पे क्रिएट पोस्ट पे मैंने क्लिक किया और मैंने इसको सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। और पेस्ट करने के बाद में आप यहाँ पे देख रहे हैं, अब ये मेरे पास में ये थोड़ा टाइम ले रहा है, 2-3 सेकंड का टाइम ले सकता है, क्योंकि मेरा नेट के हिसाब से भी यहाँ पे, नेट भी यहाँ पे डिपेंड करेगा आपका नेट की स्पीड क्या है, ठीक है। ये आ गया, मैं इसको सिंपल क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इसको पोस्ट कर दूंगा, दैट्स इट। यही है पूरी एफिलिएट मार्केटिंग, अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग। इस तरीके से आप अमेजोन के साथ में अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है, और अमेजोन के साथ में ही जितनी भी कंपनी आपको बताई जो एफिलिएट अपने बनाती है उनके साथ में आप एफिलिएट होकर के पैसा कमा सकते हैं। तो अभी मेरे पास में दूसरा पेज आ गया है, अब इस पेज से हम कैसे लिंक उठा सकते हैं, अगर आपके पास में इस टाइप से पेज खुल के आता है तो उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास में इस टाइप का पेज खुल के आता है तो हम यहाँ से लिंक कैसे उठाएंगे, मान के चलो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपल किसी भी, जैसे मान के चलो ये बुक है, इस बुक को मेरे को यहाँ से पिक करना है, तो इस बुक के ऊपर मैंने क्लिक किया और आप यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करने के बाद में जैसे आपके पास इस टाइप से वो पूरा फॉर्मेट खुल के आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे गेट गेट लिंक के नीचे टेक्स्ट का ऑप्शन है, उसको क्लिक करेंगे और सिंपल शॉर्ट लिंक और फुल लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, शॉर्ट लिंक पे ही आप रहने देंगे, उसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से और वापस से सेम प्रोसेस आपका कहीं पे भी आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोनों पेज से आप लिंक को उठा सकते हैं, आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से हम लिंक उठा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये भी सारी चीजें पता लग गई होगी कि कहाँ से हम चीजों को ट्रैक कर सकते हैं, आपको ट्रैकिंग कहाँ पे करनी है, आपको पेमेंट इन्फॉर्मेशन कहाँ पे डालनी है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। तो एफिलिएट अकाउंट आपका पूरा क्लियर हो गया होगा कि कैसे बनाते हैं और कैसे इसमें पैसा कमा